हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मिस्टर घनश्याम सर और स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास जेएसपी स्टडी में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यू क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सिंपल परमानेंट इश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट इश्यू के बारे में हमने आपको बताया था कि यह तीन प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों प्रकार के टिश्यू को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द डिफरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। बताया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू के कई प्रकार वी हैव डिस्कस्ड अंटिल, जिसको हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, आर ऑल वे सभी मेड अप वन टाइप ऑफ सेल्स, वे सभी एक प्रकार की कोशिका से बने होते थे। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पहले हमने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, या फिर उससे भी पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में बताया गया था, तो वो सभी जो टिश्यू होते हैं वो एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, व्हाइल लुक्स व्हिच लुक लाइक ईच अदर, व्हिच लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे के समान दिखते थे। ठीक है, एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते थे और एक दूसरे के समान दिखते थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस प्रकार के टिश्यू को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे, येट फिर भी एनादर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो दूसरे प्रकार का परमानेंट टिश्यू है, इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, इसके अलावा एक प्रकार का और परमानेंट टिश्यू प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वे एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स, ये सभी कोशिकाएँ कोआर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। कोआर्डिनेट मीन्स समझौता करना, मतलब ये सभी कोशिकाएँ आपस में मिलजुल करके, ठीक है, सामंजस्य बना करके परफॉर्मेंस करती हैं एक कॉमन फंक्शन, कोई कॉमन फंक्शन, कोई मतलब सामान्य वर्क, मतलब जो भी वर्क इनको करना होता है ये सभी कोशिकाएं आपस में मिल करके, बहुत सारी प्रकार की, कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो कई सारी प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल करके किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम का नाम पिछली क्लासों में सुना होगा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये जो होता है ये कुछ नहीं, बस ये प्लांट में पाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो आप तुरंत नाम बताएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, आगे लिखा है दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग मीन्स होता है किसी को जोड़ने वाली संरचना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ है, दोनों को जोड़ दिया कोई। ठीक है, तो ये जोड़ने वाली संरचना होती है, तो वही चीज़ लिखा गया है दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, और एक वैस्कुलर बंडल ये बनाते हैं। ठीक है, ये आपस में मिल करके
एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिल करके वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है। तो वैस्कुलर बंडल कुछ नहीं, बस जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में मिल करके वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है। और वैस्कुलर बंडल जो होता है वो बड़े प्लांट में पाया जाता है। आगे लिखा है वैस्कुलर टिश्यू, जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर आप देखिए, वैस्कुलर टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं, जटिल पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। ठीक, डिस्टिंक्टिव फीचर का मतलब उसमें अनोखा गुण होता है, ठीक है। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाने का अनोखा गुण होता है, ठीक है। क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल होता है वो सभी कॉम्प्लेक्स प्लांट में ही पाया जाता है, बड़े पौधों में ही पाया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लांट का एग्जाम्पल है जैसे आम हो गया, नीम हो गया, शीशम, बबूल, ठीक है, यूकेलिप्टस, सागौन, ये सभी चीज़ें, पीपल भी, ठीक है, बरगद, ये सभी कॉम्प्लेक्स प्लांट हैं। तो इन सभी में जो है वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक है। और जो सिंपल प्लांट होते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, या कोई घास हो गई, तो वो सब जो है मतलब कह सकते हैं कि वो उन प्लांट में वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन दी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। बताया जा रहा है कि वन दैट, एक जो है इनमें से एक, हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन दी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इनमें से जो ये वैस्कुलर बंडल की बात हो रही है, ये वैस्कुलर बंडल ही वह चीज़ होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है, स्थलीय वातावरण में जीवित रह पाते हैं, ठीक है, लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं, बचे रहते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है आगे कि इन फिगर 6.3 शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, 6.3 वाले फिगर में एक स्टेम का मतलब स्टेम दिखाया गया है, ठीक है, स्टेम का सेक्शन काट के दिखाया गया है, उसमें आप लोग जो है वैस्कुलर बंडल को देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं एक बार कि ये कहाँ पर है वैस्कुलर बंडल। ये फिगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जो है सेक्शन ऑफ स्टेम, यहाँ पर देखिए ये सेक्शन ऑफ स्टेम, ठीक है, ये स्टेम का सेक्शन है। ये जो है अनुप्रस्थ काट है और ये जो है अनुदैर्ध्य काट है, ठीक है। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स, इंग्लिश में ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊपर नीचे में काटते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जब बगल बगल से काटते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई पड़ेंगी। देखिए यहाँ बाहर सबसे पहले क्यूटिकल है, इपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद में अंदर है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम है, ठीक है, उसके बाद जाइलम है। आप इसमें देखिए ध्यान से, ये बीच में फ्लोएम बता रहे हैं और जाइलम कहाँ है, ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये जो है जाइलम है। तो इधर जाइलम है और इधर जो ब्लैक है ये फ्लोएम है, ठीक है। तो एक तरफ जाइलम है, एक तरफ फ्लोएम है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम आपस में मिल करके बनाते हैं वैस्कुलर बंडल, या आप ये जो देख रहे हैं एक संरचना, ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वैस्कुलर बंडल, इसी को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है इस वाले फिगर में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्लोएम है, ठीक। उसके बाद में ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये है जाइलम, ठीक है ना। तो ये जाइलम और फ्लोएम आपस में मिल करके बनाते हैं वैस्कुलर बंडल। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं फिर से। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जाइलम कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रेकिड्स, बेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जो जाइलम होता है वो मतलब जाइलम के स्ट्रक्चर यहाँ बताया जा रहा है कैसे वो बनता है, ठीक है। तो जाइलम जो होता है बना होता है किस चीज़ का, ट्रैकिड्स का बना होता है। ट्रैकिड्स जो है एक प्रकार की सेल्स होती है, बेसल्स का बना होता है, ये भी एक प्रकार की सेल्स है, कोशिका है। जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर, ये चार प्रकार की कोशिकाएँ जाइलम में होती हैं, ठीक है। जाइलम में कौन कौन सी चार प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, ट्रैकिड्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, ये चार प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जाइलम में, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है देखिए, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स। इनका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि जो ट्रैकिड्स है ये और ये वेसल्स, इनकी जो वॉल्स होती हैं थिक होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, एंड मेनी आर डेड सेल, और उनमें से अधिकांश डेड होती हैं, ठीक है। व्हेन मेच्योर, जब वो मेच्योर होती हैं, ठीक है, तो मेच्योर होने के बाद में वो डेड हो जाती हैं। जो भी ट्रैकिड्स होती हैं और जो वेसल्स होती हैं, ये मेच्योर होने के बाद में ही इनका नाम ट्रैकिड्स और वेसल्स पड़ता है, ठीक है। तो ये जब मेच्योर हो जाती हैं तो इनको मतलब ये डेड हो जाती हैं, ठीक है, मृत कोशिकाएँ हो जाती हैं। आगे बताया जा रहा है कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, ट्यूब के जैसे संरचना होती है, ठीक है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, वर्टिकली मीन्स ऊर्ध्वाधर में, ऊपर नीचे। जैसे प्लांट खड़ा होता है ज़मीन में तो नीचे से ऊपर ले जाने में हेल्प करती हैं, किस चीज़ को, मिनरल्स और वाटर को, ठीक है। जो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, पूरे पौधे में पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है, कौन करता है, जाइलम करता है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा गया है, ये आप यहाँ पर देखिए, दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। वर्टिकली मीन्स ऊपर नीचे में, यानी ऊर्ध्वाधर, इसको भेजने में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ठीक है ना। ये डेड सेल से बनी होती हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब आप जानते हैं, ये साइकिल का ट्यूब होता है या किसी भी पहिए का जो ट्यूब होता है, ठीक है। ट्यूब का मतलब बीच में होल होता है, ठीक है, बीच में होल होता है, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, जैसे होता है ना, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, बीच में गैप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की संरचना ये होती है जिससे जिसमें से बीच में से होकर के वाटर और मिनरल पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहुँचते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जो जाइलम फाइबर होता है वो सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। ट्रैकिड्स को और वेसल्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, जाइलम फाइबर करता है, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई, इसके बाद में आगे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा है फ्लोएम। अब फ्लोएम की बात हो रही है कि फ्लोएम कैसे बना होता है। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फाइव टाइप ऑफ सेल। जो फ्लोएम होता है वो पांच प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। नाम है उनका सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक है ना। तो ये चार प्रकार की, सॉरी पांच प्रकार की कोशिकाएं फ्लोएम में होती हैं। जो जाइलम था उसमें चार प्रकार की कोशिकाएं थी, कौन कौन सी कोशिकाएं, एक बार रिपीट कर दीजिए, चार प्रकार की कोशिकाएं थी जिनमें से ट्रैकिड्स था, वेसल्स था, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा था। जबकि फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम में पांच प्रकार की कोशिकाएं हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये पांच प्रकार की कोशिकाएं इस फ्लोएम में मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए,
फाइव टाइप ऑफ सेल्स, पांच प्रकार की कोशिकाएं हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब, ये दो हो गई, कंपेनियन सेल बीच में हो गई, ठीक, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जैसे उसमें जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा था, ऐसे इसमें फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ठीक है, और उसके साथ में सीव सेल और सीव ट्यूब भी पाया जाएगा, ठीक है, और कंपेनियन सेल भी होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल जैसे इसका नाम ही स्पष्ट है, कंपेनियन, आप जानते हैं ना, कंपनी यानी सहयोग देने वाला, कंपेनियन सेल सहयोगी सेल होती है, ठीक है। आगे देखिए, सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल, जो सीव ट्यूब होती हैं वो ट्यूबुलर सेल होती हैं, ट्यूब की जैसे संरचना, जैसे उसमें था ट्रेकिड्स और बेसल्स, ट्यूबुलर सेल थी, ऐसे इसमें सीव ट्यूब जो होती है वो ट्यूबुलर सेल्स होती है विथ परफोरेटेड वाल, इसकी जो वाल होती है परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड का मतलब बीच बीच में इसके वाल्स में गैपिंग, थोड़ा थोड़ा बीच में होल होता है, जैसे ऐसे मान लीजिए बना है ना ये सेल, एक मिनट, इस तरह से बना है, तो यहाँ बीच इसके यहाँ पर ऐसे बीच बीच में यहाँ कहीं कहीं पर ऐसे होल होते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परफोरेटेड, तो इसकी जो दीवार होती है परफोरेटेड होती है, ठीक है। आगे लिखा गया है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, एक मिनट इसको हटा दूँ मैं। आगे देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ दी प्लांट, जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंस याद रखिएगा कि जो जो जाइलम था वो क्या कर रहा था, वो मिनरल और वाटर को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम कर रहा था, जबकि ये जो फ्लोएम है ये जो भोजन बनता है पत्तियों में, ठीक है, लीव्स में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो फूड बनता है, भोजन बनता है पौधों में, वही भोजन पूरे पौधे में पहुंचाया जाता है, ठीक है, पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल, जो दूसरी फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग होती हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो फ्लोएम फाइबर होता है यही केवल डेड कोशिका होती है, बाकी सारी जो फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं वो सभी लिविंग कोशिकाएं, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर फिगर नीचे दिया गया है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये पहला है ट्रेकिड्स, ये ट्रेकिड्स हैं, ये वेसल्स हैं, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा है, और जाइलम फाइबर उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो देख रहे हैं आप, ये जाइलम की हैं, किसकी हैं, जाइलम की, जाइलम, ठीक है, जाइलम में होगा, ठीक। उसके बाद में जाइलम में देखिए, मैंने बताया था कि ये देखिए इस तरीके से, ये ट्रेकिड्स है, ये बेसल्स हैं, ठीक है, ये बेसल्स, ये ट्रेकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा। उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नीचे वाली जो संरचना आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये है फ्लोएम, ठीक है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम में देखिए सबसे ऊपर बना हुआ है, सबसे ऊपर सीप प्लेट, सीप ट्यूब, ये बीच में व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं, ये सीप ट्यूब है। उसके बाद में ये हरे कलर की जो आप देख रहे हैं फ्लोएम है, ठीक है, सॉरी फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये जो ये आप देख रहे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा है। कंपेनियन सेल यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह से ये फ्लोएम की संरचना होती है, ठीक है। तो फ्लोएम में जो भी कोशिकाएं होती हैं आपको क्लियर हो गई होंगी, सीव ट्यूब था, सीव सेल था, ठीक है, सीव ट्यूब, सीव सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, और उसके बाद में कंपेनियन सेल, ये पांच प्रकार की कोशिकाएं फ्लोएम में मिली थी, ठीक है। तो अभी आप जितना इसमें बताया गया है उतना समझिए, उसके बाद अगले क्लास में आप जाएंगे तो आप डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद में ये आ जाएगा एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी भी समझने में या कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बनता है, बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिल जाती है बस। और आप लोग ऐसे ही अपना जो है पढ़ते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।